झारखंड सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए फूलों की खेती को बढ़ावा देगी। इससे किसानों की जिंदगी में खुशी भी आएगी और आमदनी के साधन भी बढ़ेंगे। फूलों की खेती में अपेक्षाकृत कम पानी का इस्तेमाल होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर फूलों की खेती से किसानों की जिंदगी में बहार आ सकती है। किसानों को खेती के बारे में जानकारी देने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को फूलों के बीज और खाद उपलब्ध करवाए हैं। इसके साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली और नागपुर भी भेजा जा रहा है। किसानों को मौसम के हिसाब से खाद, बीज और पानी की भी जानकारी दी जा रही है। सरकार के इस प्रयास से पाकुड़ के इलामी पंचायत में खुशहाली आ गई है। सरकार की इस योजना के बाद किसानों ने खेतों में सब्जियों के साथ साथ फूलों की खेती करनी भी शुरू कर दी है। इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। किसानों की आमदनी का साधन पाकुड़ जिले में सूरजमुखी और कुसुम के फूल हैं। किसान फूलों की खेती कई एकड़ जमीन पर कर रहे हैं। इन फूलों की कीमत बंगाल में 3,500 रुपए क्विंटल है। ज्यादा पानी मांगने वाली परंपरागत खेती से किसानों का मोह भंग हो रहा है। अब किसान भी फूलों की खेती से जिंदगी को सुगंधित करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।